वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये रोल जो हम बनाते हैं ये तो सभी को बहुत पसंद आते हैं और इसके जो टॉर्टिलास बनते हैं ये सोचते हैं इसको बनाना तो बहुत मुश्किल है और बाज़ार से ख़रीदते हैं तो वो बहुत कॉस्टली भी पड़ते हैं। तो आज मैं इसको बनाऊँगी बिना बेला हुए, बिना आटा गूंदा हुए। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बाउल में मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। नाप के लिए आप कोई भी 1 कप या बाउल कुछ भी सेट कर लीजिए। और इसमें मैं डाल दूंगी 2 कप पानी, लेकिन सारा पानी इसमें हम एक साथ नहीं डालेंगे। अभी मैंने यहाँ पर इसमें सिर्फ 1 कप पानी डाला है और उसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अगर सारा पानी हम एक साथ डाल देंगे तो इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे, जो कि हैंडल करना उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें हम 1 कप और डालेंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना के हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको हम लगातार मिक्स करते रहेंगे और एक स्मूथ सा बैटर बन के इसका तैयार हो जाएगा। और देखिए थोड़ा सा पानी इसमें हमने और डाला है और इसको फिर मिक्स करेंगे हम। और ये देखिए आप, ये बिल्कुल इस तरह से हमें इसका बैटर चाहिए। और इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप पानी इसमें पूरा लग गया है। अब आप चाहें तो मैंने जिस तरह से यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है तो आप यहाँ पर चाहें तो 2 कप आटा भी ले सकते हैं, या 1 कप मैदा या 1 कप आटा भी ले सकते हैं। अब इसमें डालूंगी कुछ और चीज़ें। इसमें 1 छोटा चम्मच डाल देंगे नमक का, 1 छोटा चम्मच डालेंगे पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी, और 2 बड़े चम्मच डाल देंगे मिल्क पाउडर का। इस तरह से जब ये चीज़ें डाल के हम इसमें तैयार करते हैं तो बिल्कुल इसमें बाज़ार जैसे टॉर्टिलास बन के तैयार होते हैं। और 2 छोटे चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पर ऑयल का और इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और ये देखिए सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई हैं और इस तरह से एक रनिंग बैटर बन के हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम कवर करके रख देंगे थोड़ा सा रेस्ट के लिए, फिर 10 मिनट के लिए रखेंगे इसको हम। और 10 मिनट के बाद में यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है, एक नॉनस्टिक तवा लिया है और इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे ज़रूरी पॉइंट कि यहाँ पर जो भी आप इसको गर्म करने के लिए रखिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ हल्का सा गर्म होना चाहिए। अब एक चम्मच ले लीजिए, उसे फुल करके हम इसमें इस तरह से पोर कर देंगे और इसको हल्के हाथों से हम इस तरह से फैला लेंगे जिस तरह से हम डोसा बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम एक ही डायरेक्शन में इसको फैलाएंगे और इसको इस तरह से हम डाल देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। और ये बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाता है, सिर्फ कुछ ही सेकंड लगेंगे और आप देखेंगे कि इसकी ऊपरी सरफेस जो है वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गई है और ये इस तरह से सरकने भी लगा है। अब इसको हम पलट देंगे और ये देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से ये पक चुका है। और फ्लेम अभी हम कर देंगे मीडियम पर और मीडियम फ्लेम पर हम इसको दूसरी तरफ से पकने देंगे। और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से रोटेट करते रहेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से इस तरह से घुमाते रहिए या कोई आप एक कपड़ा ले लीजिए, किचन टॉवल, उसको इस तरह से आप दबा दबा के घुमाते रहिए, जिससे दूसरी तरफ का जो है ये बहुत अच्छे से स्टिक भी जाए। और ये देखिए आप देख रहे हैं इसमें हल्के हल्के से इसमें ब्राउन स्पॉट आने लगी है। बिल्कुल ऐसे ही टॉर्टिलास हमें चाहिए। और दूसरी तरफ से भी हम इसको थोड़ा सा इस तरह से दबा दबा के सेक लेंगे। इसके जो इसके टॉर्टिलास होते हैं ये बहुत ज़्यादा सिके हुए नहीं होते। और आप देख रहे हैं ये रोटी भी जो हम बना रहे हैं ये फूलने लगी है। थोड़ा सा इस तरह से आप इसको और दबाइए तो ये और अच्छे से फूल जाएगी। और ये देखिए टॉर्टिलास बनके हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। ये कितने सॉफ्ट हैं ये आपको देखने से ही अंदाज़ा लग रहा होगा। इसको बहुत ज़्यादा हम नहीं सेकेंगे वरना ये हार्ड हो जाएंगे। अब एक इस तरह से हम किचन टॉवल ले लेंगे और उसके ऊपर इसे रख के और उसको हम दूसरे टॉवल से कवर कर देंगे। और आप ये देख रहे हैं कितने सॉफ्ट हैं एकदम से। और अभी हमने इसको हल्का सा इसीलिए सेका है क्योंकि जब हम रोल बनाएंगे या स्प्रिंग रोल कुछ भी आप बनाएंगे तो उसको दोबारा से वो फिर से सीखते हैं, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए इस टाइम पे इसको बहुत हल्के से सीखना चाहिए। और बाकी के जो टॉर्टिलास है वो भी हम इसको इसी तरह से तैयार कर लेंगे। आप देख रहे हैं इसको बनाना किस कदर आसान होता है। जब आप इसको इस तरह से घुमाते हैं ना, डालते हैं, उसी टाइम ये एकदम से ड्राई होना शुरू हो जाता है। और जब आपको लगे एक तरफ से सिक चुका है तो दूसरी तरफ से हम इसको पलट देंगे और इसको इस तरह से रोटेट कर लेंगे। और आपने देखा इसको बनाना कितना आसान होता है। बिना ऑयल के ही ये अच्छे से टॉर्टिलास बनके हमारे बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, सेकंडों में ये बनते हैं टॉर्टिलास। और ये देखिए दूसरा भी हमारा बनके तैयार हो गया। इसी तरह से हम जितने भी हमारे टॉर्टिलास बनने हैं हम उसको उस तरह से बना लेंगे और सेकंडों के अंदर इसको बना के तैयार कर लेंगे।
और ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने सारे टॉर्टिलास बना के तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल कितने अच्छे से बन गए हैं ये। और सबसे अच्छी बात है कि आपको इसमें पता है कि आपने इसमें मैदा कितनी ली है या जो भी आप चीज़ ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी कैसी है। अभी बन के हमारे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए और ये देखिए किस कदर ये सॉफ्ट है। अभी ये थोड़े से गर्म है, जब ये ठंडे हो जाएंगे तब ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये, एकदम मार्केट जैसे ये टॉर्टिलास बन के हमारे तैयार हुए हैं। और इसको आप इस तरह से चाहे तो स्प्रिंग रोल बना लीजिए, चाहे तो आप इसको रोल बना लीजिए या आप इसको रैप बना लीजिए। बहरहाल ये टॉर्टिलास बन के हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं अच्छे से। और इसको बनाना कितना आसान है ये आप देख ही चुके हैं। एक बार बनाइए और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको इसी तरह से बना के रख लीजिए, आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो तकरीबन 4 से 5 दिन तक ये ऐसे ही रखे रहेंगे। और आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो 20 दिन तक आप इसको रख सकते हैं। अब आप इसमें इसको आपको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। जब आप इसको सबसे नीचे एक बटर पेपर ले लीजिए और बटर पेपर के ऊपर हम इस तरह से एक एक करके टॉर्टिलास रखते रहेंगे और उसके ऊपर फिर एक और अलग से बटर पेपर लगाते रहेंगे। ऐसा करने से हमारे जो टॉर्टिलास हैं वो आपस में चिपकते नहीं हैं। और ये देखिए अब नीचे मैंने एक किचन टॉवल ले ली है और उसको इस तरह से हम रैप करके रख देंगे। और अब आप चाहें तो इसको जो जिप्लॉक बैग होता है उसमें रख लीजिए या जो शॉपर होता है उसमें डाल के इसको रख लीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि इसके अंदर एयर नहीं होने चाहिए। और इसको इस तरह से करके आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। तकरीबन 20 दिन से 25 दिन तक ये बिल्कुल इसी तरह से बने रहेंगे। और जब भी आपको रोल वगैरह बनाने हो आप फ्रीज़र में से निकालिए 1 घंटे पहले, और जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो आप इसको अपने मनपसंद चीज़ बना सकते हैं। अब आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है। तो रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, आप इसको ज़रूर बना के रख लिए। इफ्तारी में या सहरी में आपके बहुत काम में आने वाली रेसिपी है, तो उस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। आई होप आपको और आपकी फैमिली में रेसिपी सबको बेहद पसंद आएगी। और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलते हुए एक नई रेसिपी के साथ में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।